हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब टीम के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे उनके बाकी बचे हुए मैचों को लेकर के किस तरीके से पंजाब की राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ और बाकी टीमों के साथ अपने प्लेलाइन में बदलाव करते हुए दिखाई दे सकती है और नए खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जरूर जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल को बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसका अपडेट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में। तो दोस्तों बात करें, पंजाब किंग्स ऑफिशियली पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गई है प्लेऑफ की दौड़ से और ऐसे में पंजाब किंग्स एक बार फिर से उनको हाथ निराशा लगी है। तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स एक बार फिर से सोच विचार करेगी और अगले आने वाले सीजन की जो तैयारियां हैं वो अभी से स्टार्ट कर देना चाहेंगी। अब दोस्तों ऐसे में अगर हम बात करें तो पंजाब किंग्स ने जिस तरीके से पिछले मैच विद्वत कवरप्पा को गेंदबाजी में लेकर आए थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे विकेट भी चटकाए, मौके उन्होंने काफ़ी अच्छे दिलाए थे, लेकिन पंजाब किंग्स की फील्डिंग पिछले मैच में काफ़ी नकारात्मक दिखाई दी थी, जिसके बदले पंजाब किंग्स ने मैच को गंवाया और काफी विशाल स्कोर उन्हें चेस करने को मिला था। अब दोस्तों बात करें इसी के साथ, तो पंजाब किंग्स आने वाले मैचों में और सारे खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बताया जा रहा है न्यूज के अनुसार आगे आने वाले सीजन में एक बहुत ही बड़ा मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा, जहां पर पूरी टीम के जो खिलाड़ी है वो बदल जाएंगे। तो ऐसे में पंजाब किंग्स ने जिन खिलाड़ियों को खरीदा है उनको इस मैच में मौका दे सकती है। अब दोस्तों बात करें तो टीम में मौका मिल सकता है हरप्रीत बरार को, उसी के बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो क्रिस वोक्स और कगिसो रबाड़ा की जगह नाथन एलिस को टीम में मौका मिल सकता है। वहीं दोस्तों बात करें तो एक बार फिर से लियम लिविंगस्टोन टीम की तरफ से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों बात करें जिस तरीके से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे जितेश शर्मा, उनके भी पंजाब के सामने विकल्प देखने की कोशिश करेगी। पंजाब की इसके पास जॉनी बेस्ट और प्रभसिमरन सिंह के रूप में ऑलरेडी प्लेइंग 11 उनके पास विकेट कीपर बचे हुए हैं, तो पंजाब की जॉनी बेस्ट और प्रभसिमरन के साथ ही विकेट कीपिंग में जाना पसंद करना चाहेगी और जितेश शर्मा की जगह पंजाब की काफी अच्छे नए खिलाड़ी को मौका दे सकती है जो कि उनके मिडिल ऑर्डर में कमान संभाल सके। अब दोस्तों बात करें आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह पंजाब किंग्स की तरफ से फिनिशिंग का रोल काफी अच्छा निभा रहे हैं, लेकिन हम जैसे कि देख रहे हैं आशुतोष शर्मा की जो वीकनिंग पॉइंट है वो है स्पिन गेंदबाजी। आशुतोष शर्मा स्पिन गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आते हैं, लेकिन तेज गेंदबाजों के सामने पूरी तरीके से दहाड़ के बल्लेबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स आशुतोष शर्मा को अगले सीजन के लिए और इंप्रूवमेंट करेगी और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भी अच्छे तगड़े शॉट्स लगाते हैं, तो पंजाब उन्हें अगले आने वाले सीजन में रिटेन भी कर सकती है। वहीं दोस्तों बात करें, कप्तान शिखर धवन इस सीजन में पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह पर सैम करन कप्तान बनाया गया है, तो क्या अगले सीजन भी सैम करन पंजाब की कप्तानी को संभालते हुए नजर आएंगे और शिखर धवन पंजाब किंग्स की टीम से हो जाएंगे बाहर या नहीं, यह भी देखना दिलचस्प रहेगा। आपका क्या कहना है इनके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। शिखर धवन और सैम करन को लेकर कौन अच्छा कप्तान हो सकता है पंजाब किंग्स के लिए, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आए होंगे। और ये जो बदलाव है, अगर हम बात करें कगिसो रबाड़ा की जगह पर नाथन एलिस, क्रिस वोक्स, लियम लिविंगस्टन हो सकते हैं टीम से बाहर, जितेश शर्मा की जगह पंजाब किंग्स एक युवा बल्लेबाज को मौका दे सकती है, यानी कि अथर्व ताड़े को टीम में मौका दिया जा सकता है जो कि टीम की कमान को पूरी तरीके से संभालते हुए नजर आ सकते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।